हेलो फ्रेंड्स, आज इस क्यू एन ए सेशन की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा स्टडी वीजा के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि कनाडा के अपकमिंग इनटेक हैं सितंबर 2023 और जैन 2024। बहुत सारे बच्चों ने अपनी फाइल ऑलरेडी लॉन्च कर दी है और अपना वीज़ा भी सिक्योर कर लिया है। अगर आपने अभी तक अपना प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, फिर चाहे आप सितंबर 23 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, चाहे आप जैन 24 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अप्लाई करना चाहिए अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। क्योंकि 10 अगस्त को SDS की जो नई रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट जिनकी प्रोफाइल आज एलिजिबल नहीं है, आज वो ऑप्शन नहीं ले सकते, मगर 10 अगस्त के बाद वो भी सभी इसी ऑप्शन में आ जाएंगे, वो भी अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में या जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर आपको एडमिशन ना मिले। आज का जो क्वेश्चन है गुरजोत जी का है वो इसीलिए, हेलो सर, माई इनटेक इज जनवरी 24, आई गॉट माई PPR। देखिए, यही मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप अभी जैसे सोच रहे हो कि जैन इनटेक अभी काफ़ी दूर है और मैं बाद में अप्लाई करूँगा, तो आपके सामने गुरजोत का ऑप्शन पड़ा है जिन्होंने जैन 24 के लिए अपना वीज़ा भी सिक्योर कर लिया है और आगे क्या करना है उसके बारे में प्लान कर रहे हैं। आपको भी समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी हो सकता है अपना ऑफर लेटर अप्लाई करिए, अपनी सीट सिक्योर करिए, उसके बाद अपना प्रोसेस कंप्लीट करिए और वीज़ा लेकर बैठ जाइए। जब आपके पास समय है, जैसे अभी गुरजोत के पास काफ़ी समय है, ये दिसंबर में ट्रैवल कर पाएंगे, दिसंबर से पहले ये ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अभी इनके माइंड में वो चीज़ नहीं है कि मेरा डिसीजन क्या आएगा, मुझे कोर्स कौन सा मिलेगा, सीट कैसे मिलेगी, डेफर लेना पड़ेगा, क्या होगा आने वाले समय में। अभी ये गुरजोत जो 6 मंथ इनके पास है, 5 to 6 मंथ, इन सभी मंथ में वो कोई ना कोई स्किल सीख सकते हैं, अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि अभी इनके माइंड में जो बड़ा डाउट रहता है या बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि होगा क्या, वीज़ा आएगा नहीं आएगा, मुझे क्या करना चाहिए, तो वो सारी क्लियर हो चुके हैं। अभी ये फोकस कर सकते हैं कि अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, इसी समय को वो स्किल सीखने में लगा सकते हैं। अभी इनका क्वेश्चन देखिए, 12 जुलाई 2023 को इनको PPR आ चुकी है। आफ्टर माय पासपोर्ट स्टैंपिंग शुड आई सेंड स्कैन PDF ऑफ माय पासपोर्ट और व्हेन आई गेट माय रजिस्टर कोर्स। देखिए, जो बच्चे सितंबर 2023 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या जिनका वीज़ा आ चुका है या जैन 24 के लिए जिनको PPR आ चुकी है, आपने पासपोर्ट स्टैंप करवाने के बाद जो आपका स्टेप होता है, जब भी आपको PPR आती है उसके बाद काम ख़त्म नहीं होता। PPR के बाद आपने अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग करवाना होता है, उसके बाद आपने कॉलेज में रजिस्टर करना होता है जिस इनटेक के लिए आपने एडमिशन लिया है। देखिए, इनका जैन 24 इनटेक है, तो हो सकता है कि इनके कॉलेज ने अभी तक जैन 24 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं की हो, सितंबर की रजिस्ट्रेशन चल रही हो या सितंबर की भी अभी ना हुई हो, तो आपको स्कैन अपने पासपोर्ट की स्कैन कॉपी और अपना पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर दोनों अपने कॉलेज को या अपने कंसल्टेंट को मेल कर देने चाहिए। वो आपके कॉलेज को मेल कर देंगे, अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया तो आप डायरेक्ट अपने कॉलेज को अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन ओपन होगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ट्रैवल करेंगे जो भी इनटेक डेट है आपकी, अगर आपकी 7 जनवरी है तो आप उससे 21 दिन पहले ट्रैवल कर पाएंगे, उससे पहले ट्रैवल करने की कोशिश नहीं करनी। ट्रैवल करने से पहले आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी वीडियो पब्लिश हुई है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लेके जाने हैं, ऑलरेडी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होते हैं। कुछ GC के अकाउंट से आपने निकालने, जैसे पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर हो गया, BBL हो गया, BIL हो गया, तो वो सारे आपने साथ में लेके जाने। अपने GC की अकाउंट, जिस अकाउंट से आपने अपनी फाइल लॉन्च की है उसका लॉगिन ID पासवर्ड भी आप अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट वो GC की अकाउंट का जो लॉगिन ID पासवर्ड है वो नहीं देते, मगर अगर आपके पास होगा, अगर कोई कंफ्यूजन होती है वीज़ा ऑफिसर को या इमिग्रेशन ऑफिस को, तो वो आपका जो वो GC की अकाउंट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे ये एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे होंगे, इस इन्फॉर्मेशन से आपको ज़रूर हेल्प होगी। अगर आप भी सितंबर 2023 या जैन 24 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पर कॉल कर लीजिए। हमारी कंपनी स्टडी वीज़ा के लिए कोई प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज नहीं करती, ना वीज़ा लगने से पहले ना वीज़ा लगने से पहले बाद। आपका पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ऑनलाइन आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, आप अब विजिट नहीं करना चाहते, तो आपका पूरा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन कंप्लीट हो सकता है, यानी कि आपको एक भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको जो एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।